जनरली लिवरपूल का गोलकीपर अपने सेंटर बैक्स को शॉर्ट पास दे रहा था। ग्रिलिश ने फेबिनो को कवर कर रखा था। फोडेन और हिसुस सेंटर बैक्स को प्रेस कर रहे थे और जो फुल बैक्स की पासिंग लाइन है वो कट करने की कोशिश कर रहे थे। मैन सिटी के विंगर्स फोडेन और हिसुस डेडिकेटली सेंटर बैक्स को प्रेस नहीं कर रहे थे और उसकी वजह से सेंटर बैक्स को बॉल पे काफ़ी टाइम मिल रहा था और वो लॉन्ग बॉल पास कर रहे थे। मैन सिटी तीन मिडफील्डर के साथ खेल रही थी और मिडफील्ड काफ़ी नैरो थी और उसकी वजह से मैन सिटी का वाइड जोन में एक ही डिफेंडर था और उसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी मैन सिटी को। मैन सिटी के विंगर्स डेडिकेटली प्रेस नहीं कर रहे थे सेंटर बैक्स को और उसकी वजह से सेंटर बैक्स को काफ़ी टाइम मिल रहा था और उसी वक्त लिवरपूल का लेफ्ट बैक रॉबर्टसन फ्लैंक पर हाई पुश कर रहा था और जो मैन सिटी का राइट बैक था वो 2v1 डाउन था अगेंस्ट माने एंड रॉबर्टसन। लिवरपूल कंटिन्यूसली इस मूव से मैन सिटी को ट्रेड कर रही थी और लेटर इन द गेम गार्डियोला ने जो 4-4-2 की डायमंड मिडफील्ड थी वो फ्लैट 4-4-2 में कन्वर्ट कर दी और उसकी वजह से सिटी के राइट बैक वॉकर के साथ जो 2v1 सिचुएशन हो रही थी अगेंस्ट माने और रॉबर्टसन वो कम हो गई थी क्योंकि जो रॉबर्टसन का रन था वो राइट मिडफील्डर कैच कर रहा था। गार्डियोला कन्वर्टेड 4-4-2 फ्लैट मिडफील्ड और उसकी वजह से सिटी के पास वाइड जोन में 2 डिफेंडर थे और इजीली डिफेंड कर सकते थे। सिटी कन्वर्टेड इनटू 4-4-2 और उसकी वजह से जो सिटी की फर्स्ट लाइन थी वो इजीली बाईपास्ट हो रही थी और फेबिनियो इजीली बॉल रिसीव कर सकता था। फ्लैट 4-4-2 मिडफील्ड का एक डिसएडवांटेज है जो दो मिडफील्डर होते हैं वो काफ़ी वाइड होते हैं और उसकी वजह से 3-2 सिचुएशन बन जाती है मिडफील्ड में की वजह से मिडफील्ड ओवरलोड हो जा रही थी और मैन सिटी के साथ 3-2 सिचुएशन हो रही थी मिडफील्ड में। हेंडरसन हाफ स्पेस जोन में ऑपरेट कर रहा था। लिवरपूल दो पिवट्स के साथ कन्वर्ट हो गई थी। लिवरपूल का जो राइट बैक है मिलर वो फ्लैंक पर हाई पुश कर रहा था और उसकी वजह से वाइड जोन में 3-2 सिचुएशन हो रही थी। जनरली मैन सिटी का गोलकीपर सेंटर बैक्स को शॉर्ट पास दे रहा था। लिवरपूल फ्रंट थ्री के साथ प्रेस कर रही थी और फ्रंट थ्री काफ़ी नैरो थे और उसकी वजह से जो मैन सिटी का डिफेंसिव मिडफील्डर है वो कवर शेड हो गया था और उसकी वजह से जो मैन सिटी के फुल बैक्स है वो काफ़ी डीप खेल रहे थे। लिवरपूल के फ्रंट थ्री काफ़ी नैरो थे और उसकी वजह से मैन सिटी के फुल बैक्स इजीली बॉल रिसीव कर रहे थे। लिवरपूल का मिडफील्डर अगर फुल बैक को प्रेस करने जा रहा था तो मैन सिटी के मिडफील्डर इजी बॉल रिसीव कर सकते थे मिडफील्ड में। जोता सेंटर बैक्स को हाई प्रेस कर रहा था और उसकी वजह से सेंटर बैक्स को एंगल मिल रहा था डिफेंसिव मिडफील्डर को पास करने के लिए। जब बॉबी फिरमिनो आया तब वो डिफेंसिव मिडफील्डर को कवर करके रखा था और उसकी वजह से सेंट्रली बॉल प्रोग्रेशन नहीं हो पा रही थी। कैंसेलो फ्लैंक पर हाई पुश कर रहा था और उसकी वजह से राइट बैक के साथ 2v1 सिचुएशन हो रही थी। फोडेन हाफ स्पेस जोन से इन बिहाइंड रन कर रहा था। बर्नार्डो सिल्वा इन बिटवीन द लाइन हाफ स्पेस में ऑपरेट कर रहा था और उसकी वजह से फोडेन को फ्लैंक पर काफ़ी स्पेस मिल रही थी और वो फ्लैंक्स के जाके क्रॉसेस दे रहा था। मैन सिटी के पास जब बॉल पोजीशन होती थी तब जो दो मिडफील्डर थे वो हाफ स्पेस जोन में ऑपरेट कर रहे थे और उसकी वजह से लेफ्ट बैक के साथ फुल बैक के साथ 2v1 सिचुएशन हो रही थी। मैन सिटी ऑलमोस्ट फ्रंट फाइव के साथ अटैक कर रही थी। दो मिडफील्डर इन हाफ स्पेस जोन में ऑपरेट कर रहे थे और उसकी वजह से फुल बैक के साथ 2v1 सिचुएशन हो रही थी और जो अगर फुल बैक्स वाइड डिफेंडिंग कर रहा था तो जो हाफ स्पेस जोन में
जो दो मिडफील्डर ऑपरेट कर रहे हैं वो डिफेंस के पीछे इन बिहाइंड जाके रन इन बिहाइंड रन कर रहे थे। केडीबी मोस्ट ऑफ द गेम इन बिहाइंड जाके काफ़ी थ्रेट पैदा कर रहा था लिवरपूल के लिए।